देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में 8 किलोमीटर लंबी लाइन, सावन का दूसरा सोमवार, आज पहुंचेंगे 2.5 लाख कांवड़िए। सुबह 4 बजे से हो रहा जलाभिषेक। आज सावन की दूसरी सोमवारी है, देवघर में कांवड़ियों की भीड़ है, कतार नंदन पहाड़ रिंग तक पहुंच गई है। मंदिर से इसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। रविवार की रात ही तकरीबन 2 लाख कांवड़िया लाइन में लग चुके थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 2.5 लाख से अधिक भक्त कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करेंगे। देवघर मंदिर सुबह 4 बजे खुला है और जल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हर हर महादेव और बोलबम से पूरा इलाका गूंज रहा है। वहीं जिला प्रशासन भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए मुस्तैद है। खुद उपायुक्त विशाल सागर ने रात में ही कांवड़िया रूट का जायजा लेकर अधिकारियों को अलर्ट किया है। इधर कतार में शामिल होकर जलार्पण का इंतजार कर रहे भक्तों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कांवड़ियों की 8 किलोमीटर लंबी कतार है। सभी कांवड़िया कतारबद्ध हो बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलार्पण के लिए कतारबद्ध कांवड़ियों को नंदन पहाड़, बरमसिया बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, न्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंगी फुट ओवरब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। कांवड़ियों की संभावित भीड़ को देखते हुए 32 सूचना सह सहायता केंद्र और 36 स्वास्थ्य केंद्र मेला क्षेत्र में लगे हैं। सभी 24 घंटे सातों दिन अलर्ट मोड में हैं। सूचना केंद्र के कर्मी और स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात एक्टिव मोड में कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं भीड़ नियंत्रण करने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पूरा मेला क्षेत्र में खास तौर पर रूट लाइन में कैमरे लगाए गए हैं और कंपोजिट कंट्रोल रूम से मेले की व्यवस्था की निगाहबानी की जा रही है। झारखंड की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।